हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ पेपर तक, ठीक है ना, वहाँ का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। उस पर हमें आज एक न्यूमेरिकल करना है, और वो न्यूमेरिकल मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है ना। और फिर टॉपिक्स देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ पेपर यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको DPP लिंक में रहेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक ना। अब आइडियल नॉन आइडियल दो टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और एजोट्रॉफ मिक्सचर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब आगे क्वांटिटेटिव टॉपिक में इसके एजोट्रॉफ ही आएगा। तो हम लोग ये वाला जो न्यूमेरिकल है पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीन शॉट एक ले लीजिए और न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और आप फिर से ये न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है वो चीजें हम जो है एक बार फिर से लिख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ते रहिए। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो लिक्विड ए और बी है, कंटेनर बनाते हैं, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे वैसे ही कंटेनर बना बना के सीखेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में, ठीक ना, ये लिक्विड मान लो अपना ए था, इसी में हमने बी मिला लिया, थोड़े और डॉट बना देता हूं। तो लिक्विड ए और बी का ये अपना एक सोल्यूशन है आइडियल, ठीक है ना। और आइडियल क्या है अभी थोड़ी देर में ही समझ जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये एक सोल्यूशन है और इसके अंदर जो है अपना, ठीक ना, ये इसके अंदर दो लिक्विड है, ठीक ना। इसके अंदर जो लिक्विड है लिक्विड ए और प्लस लिक्विड कौन सा है, देखो बी, ठीक है ना। तो अपने पास ये सोल्यूशन हो गया और इस सोल्यूशन में दो लोग हैं, भाई लिक्विड ए है और लिक्विड कौन सा है तुम्हारा, बी वाला। चलिए क्वेश्चन की एक लाइन पढ़िए आपने। दूसरे क्वेश्चन में देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब ये जो भी है लिक्विड, ये आपके वेपोराइज होंगे और उनका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है। तो वेपर बन गया और वेपर कहां बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी वो क्या हो गया तुम्हारा प्योर स्टेट पे। तो प्योर स्टेट यानी क्या हो गया, जो ये गिवन रहता है ये प्योर स्टेट वाला है। तो पी नॉट ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो पी नॉट ए तुम्हें दे रखा है देखो 300, और यूनिट देख लो तो मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो 300 mm ऑफ एचजी आपको ए का प्योर स्टेट का प्रेशर दे रखा है, और जो बी है यानी पी नॉट बी, ठीक ना, इसका जो वेपर प्रेशर है वो आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ के, तो आपको क्या मिल गया बोलो, 100 mm ऑफ एचजी। चलिए यहां तक की लाइन हो गई खत्म। सपोज दैट वेपर अबव द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ कैपिटल ए एंड 1 मोल ऑफ कैपिटल बी। तो सपोज दैट वेपर ऑफ, अब देखो यही क्वेश्चन पढ़ो, सपोज दैट वेपर ऑफ अबव सॉल्यूशन, तो मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन के ऊपर, है ना, इस सॉल्यूशन के ऊपर अगर ध्यान से देखो तो जो आपको वेपर बनी हुई है, इस वेपर में आपको दे रखा है कि 1 मोल कैपिटल ए है, इस वेपर के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो तो 1 मोल कैपिटल ए है और 1 मोल तुम्हारा कैपिटल बी है, ये अपने को दे रखा है। फिर क्या बोल रखा है, देखो 1 मोल ऑफ कैपिटल ए 1 मोल ऑफ कैपिटल बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड। अब लैंग्वेज पकड़ना शुरू करिए, अब क्या बोल रखा है कि यहां का जो मोल है इसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। लैंग्वेज ध्यान से पकड़ते रहिए, सब चीजें समझ में आएंगी। तो हमने क्या किया, देखो इस जो क्वेश्चन बोल रहा था इस वाले मिक्सचर को कंडेंस कर दो पेपर को, तो हमने कर दिया कंडेंस। अब जब हम लोग कंडेंस कर देंगे तो अपने पास फिर से देखो, ठीक ना, कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग उस पूरे लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं, उस पूरी वेपर को कलेक्ट कर लेते हैं, और वेपर को कलेक्ट करेंगे वो वेपर किस फॉर्म में आएगी बोलो, लिक्विड के फॉर्म में आएगी। तो मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने वेपर को कलेक्ट किया और फिर से जो है हमने लिक्विड बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ो, क्या कर रखा है, इसको कंडेंस किया एंड दिस कंडेंसेट, ये कंडेंस हो गया, तो 1 मोल कैपिटल ए था 1 मोल कैपिटल बी था, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अगर पूछूं यहाँ पे, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन का काम है, मोल फ्रैक्शन एक्स से कितना होगा बोलो, 0.5। समझ में आ गया होगा सबको कैसे निकला भाई, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला तुम जानते हो, इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी देखो मोल फ्रैक्शन अगर ए का लिखूंगा तो एन ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी, सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1
कितना हो गया 1/2, सॉल्व कर लो कितना मोड होगा 0.5। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर इसके कंटेनर के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर ठीक है ना, आपसे पूछे बी का कितना मोल फ्रैक्शन है तो वो भी 0.5 हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे एक्स बी भी लिख दे रहा हूँ और एक्स बी की वैल्यू भी कितनी है 0.5। बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना। चलिए कंडेंस कर दिया, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो आप। This condensate is then heated at 100 degree Celsius and vapor are again condensed to form liquid L. अब क्या बोल रखा है कि इसको फिर से 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको वेपोराइज किया, लो वेपोराइज कर दिया। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अब तुम्हें अच्छे से पता है यही क्वेश्चन में दे रखा था कि मतलब सॉल्यूशन तुम्हारा कैसा है आइडियल। तो देखो यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ जो लिक्विड की कंपोजिशन है वो देखो क्या हो गया एक्स ए, और यहाँ जो लिक्विड बी का कंपोजिशन है वो क्या हो गया एक्स बी। P नॉट में तो कोई चेंज होगा नहीं, P नॉट ए वही है ना, P नॉट भी वही है ठीक है ना। अब यहाँ से हमें अगर पी ए निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, यहाँ से हमें पी भी निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। अब कह रहा है कि इसको फिर से वेपोराइज करो, तो जब फिर से वेपोराइज किया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स डैश ए के बराबर है और इस कंटेनर में जो बी का फ्रैक्शन है वो एक्स डैश बी के बराबर है। फिर से पढ़ लो देखो क्या बोल रहा है, अगेन This condensate is heated 100 degree Celsius and vapor is again condensate. ठीक है ना। अब देखो फिर क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रखा है कि इस कंडेंसेट को ठीक है ना, इस कंडेंसेट को जो भी ये आपका वेपर बना, ये कंडेंसेट हुआ, पहले इसको वेपोराइज किया, कंडेंसेट को करते रहिए, इसका हमने क्या कर दिया देखो वेपोराइजेशन। अब पूछ रखा है, बता रहा है कि आप जरा ये जो वेपर बना हुआ है इस वेपर को अगेन कंडेंस कर दो। इस वेपर को हम लोग क्या करते हैं देखो अगेन कंडेंस कर देते हैं, नेक्स्ट कंडेंसेशन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इसको हम लोग फिर से कंडेंसेट कर दिए भाई। अब जब कंडेंसेट कर दिए तो फिर से देखो अपने को एक लिक्विड मिल गया, फिर से देखिए आपको एक लिक्विड मिल गया और ये लिक्विड मिल गया देखो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना दूं, ये हो गया अपना लिक्विड। अब देखो ये क्या हो गया भाई, लिक्विड जो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में था एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी, अब यही तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में यहाँ हो गया एक्स ए डबल डैश और यहाँ देखो क्या हो गया एक्स बी डबल डैश ठीक है ना। और फिर देखो क्वेश्चन को और थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन में फिर से पूछ रहे अच्छा ये जो लिक्विड बना है यहाँ तक हम लोग पहुंच गए और यही लिक्विड क्या है तुम्हारा ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करता हूँ लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो यही क्वेश्चन में देखो, दिस कंडेंसेट अगेन हीटेड 100 एंड आर अगेन कंडेंस्ड टू फॉर्म लिक्विड एल। मुझे शायद अब नहीं बताना पड़ेगा ये जो लिक्विड बना हुआ है, ये लिक्विड बोलो कौन सा है, ये लिक्विड है कैपिटल एल, ये वाला जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड कौन सा है तुम्हारा कैपिटल एल ठीक है ना। और फिर देखो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन द वेपर ऑफ एल ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या कह रहे हैं इसको फिर से वेपोराइज करो, तो इसको फिर से वेपर बनाया आपने ठीक ना। अब जब इसका वेपोराइजेशन हो गया, इसी वेपर में कितना ए का मोल फ्रैक्शन है वही आपसे पूछ रखा है। ये देखो फिर से इस लिक्विड एल को आपने वेपोराइजेशन कर दिया और इसके अंदर कितना ए का मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एक्स डबल डैश ए पहुंचे थे तो यहाँ पे एक्स ट्रिपल डैश ए कितना होगा ये आपसे पूछ रखा है। बात क्लियर हुई। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आप ये अच्छे से ठीक है ना बॉक्सेस बना लीजिएगा, और बॉक्सेस अगर बन गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बात याद रखे रहो, क्वेश्चन में दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन, तो अभी थोड़ा सा आइडियल भी काम आ जाएगा अपने को, मैं यहाँ थोड़ा सिखा देता हूँ। अब मैं ठीक है ना क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है अपने पास अगर ध्यान से देखो तो यहाँ का जो प्रेशर है ठीक है ना, अब यहाँ का अगर प्रेशर हम लोग बात करें, इसको निकाल लिया जाए कितना टोटल प्रेशर है और उस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे 0.5 के बराबर, कुछ आपको एक डेटा मिलने वाला है और उससे करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं ठीक है ना। तो मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ और टोटल प्रेशर निकालने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना। तो सब डेटा मैंने लिख दिया है, अब आप अच्छे से देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं टोटल प्रेशर लिखूं ठीक है ना, इस स्टेट पे अगर मैं टोटल प्रेशर लिखूं यहाँ पे इस कंटेनर के नीचे, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर मान लेता हूँ मैं PT, तो PT की वैल्यू क्या होगी बोलो PA और प्लस क्या हो गया PB के बराबर। PA की वैल्यू क्या होगी देखो P नॉट A XA के बराबर और प्लस ठीक है ना P नॉट B और क्या हो गया देखो XB के बराबर। अब देखो ध्यान से
पी नॉट ए की वैल्यू पता है, पी नॉट ए कितना है तुम्हारा 300, और ये क्या हो गया एक्स ए प्लस पी नॉट बी की वैल्यू क्या है देखो 100, और ये क्या हो गया देखो एक्स बी, और ये हो गया देखो टोटल प्रेशर। अब एक्स ए और एक्स बी तो पता है क्या, पता है भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन वही होता है भाई कि जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिक्विड का हो उतना ही अगर पेपर में भी फ्रैक्शन हो जाए तो काम बन जाएगा। इसी सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ऐसे देखो क्वेश्चन मान लो तुमसे सिंस सॉल्यूशन इज आइडियल ये तुम्हें दे रखा है, सिंस सॉल्यूशन इज आइडियल, ये सॉल्यूशन तुम्हें क्या दे रखा है आइडियल, तो आइडियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिक्विड में कंपोजिशन है, मतलब अगर मैं ऐसे एक्स ए वाई करके लिखूं तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंपोजिशन सिंस इन ऐसे लिख देता हूं मैं, सिंस सॉल्यूशन इज आइडियल हेंस कंपोजिशन इज सेम, ठीक है ना, हेंस कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ, ठीक है ना, ऑफ वेपर एंड लिक्विड सेम, पेपर एंड लिक्विड क्या हो जाएगा ये सेम हो जाएगा, ये अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो अब हम लोग एक्स ए निकाल लें तो सारा काम बन जाएगा, एक्स ए एक्स बी आ जाए तो काम बन जाए, ठीक है ना। तो अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या कर रखा, अब इसका बाद में काम पड़ेगा, मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो अब देखना ध्यान से, एक्स ए की वैल्यू क्या दे रखा है 0.5। अब ये वेपर था तो वेपर का कंपोजिशन अगर मुझे लिखना है तो क्या होता है बोलो, उस कंपोनेंट का पार्ट पहले फार्मूला लिख देता हूं मैं, x से दे रखा है जिसको हम लोग y मानते थे वो x से दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया मतलब उनको हमने x से मान लिया है, ठीक है। तो यहां देखो pa और डिवाइडेड बाय क्या होता था p टोटल, अब pa की वैल्यू क्या हो गई जाएगी देखो p नॉट a और क्या हो गया x से और डिवाइडेड बाय क्या हो गया p टोटल, बात क्लियर हो रही होगी। तो यहां से इसकी वैल्यू रखो, ये देखो 0.5, अब पी नॉट ए कितना हो गया बोलो 300 इंटू क्या हो गया एक्स ए और डिवाइडेड बाय क्या हो गया पी टोटल, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, ऐसे अगर मैं वाई वाई बी या एक्स बी को लेके सॉल्व कर लूं तो 0.5 ये क्या हो गया तुम्हारा पी बी और डिवाइडेड बाय क्या हो गया पी टोटल, सॉल्व कर लो इधर से तो ये कितना हो गया तुम्हारा बोलो, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा पी नॉट बी और क्या हो गया एक्स बी और डिवाइडेड बाय क्या हो गया पी टोटल, थोड़ा वैल्यूज भी रख दो तो 100 इंटू एक्स बी और पूरे का डिवीजन क्या हो गया देखो पी टोटल। अब आप एक बार बहुत अच्छे जानते हैं सिंस दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करिए, अपने पास अगर ध्यान से देखो एक्स बी की वैल्यू यहां अगर लिखना चाहे हेंस क्या हो गया एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमें एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी, और जब एक्स ए एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अपने पास देखो तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन तुम्हारा ये है, ठीक है ना, एक इक्वेशन तुम्हारा ये है और एक इक्वेशन तुम्हारा ये है, इसको भी नाम दे रहा हूँ, ये भी है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अच्छे से घर पे सॉल्व कर लेना, टाइम ज्यादा जा रहा है ना, तो ऑन सॉल्विंग में लिख दे रहा हूँ 1, 2 एंड 3। जब ये सॉल्व करोगे तो आपको जो एक्स ए की वैल्यू है, ठीक है ना, जो एक्स ए की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 0.25। मतलब ये देखो ध्यान से कि जो पेपर था तुम्हारा, ठीक है ना, जो तुम्हें ये एक्स ए नहीं लिखूं मैं, इसको मैं वाई ए लिख दूं तो ज्यादा अच्छा आपको समझेगा। ये पेपर का कंपोजिशन दे रखा था वाई ए और ये भी पेपर का कंपोजिशन दे रखा था वाई ए, ठीक है, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हुई लिखने में, उस मिस्टेक है, बाकी अब कुछ नहीं है, यहाँ पे वाई ए लिख दो ये काम बन गया अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई ए की वैल्यू हो गई, इसको भी वाई बी लिख लो तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो ये देखो पी नॉट बी और क्या हो गया एक्स बी, यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व कर लेना, तो एक्स ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी और जो एक्स बी की वैल्यू है, ठीक ना, वो आ जाएगा आपका, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ आप घर पे कर लीजिएगा, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 0.75, ठीक है ना, 0.75 और एक्स ए की वैल्यू आएगी 0.25, घर पे कर लेना। तो ये हो गया अपना भाई एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर, ठीक है ना, तो टोटल प्रेशर भी निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक्स ए की वैल्यू आ गई, अब ये जो वैल्यूज है इस वैल्यू को आप क्या करिए इस वाले इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए, तो यहां से अगर टोटल प्रेशर पूछता तो टोटल प्रेशर भी आ जाता। अब हमें देखना ध्यान से कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है,
वो तुम्हारा एक्स ए डैश, एक्स ए और एक्स बी है जो यहाँ पे है वही तुम्हारा यहाँ आ गया। तो अब एक्स ए इसको हमने क्या माना है, वाई ए, तो हम लोग इसको देखो क्या कर देते हैं, वाई ए लिख देते हैं। ये भी कंपोजिशन कितना हो गया, वाई बी। अब देखना ये पेपर के फॉर्म में जा रही है, तो हम लोग इसको अब एक्स ए तो हो ही गया है, चाहे एक्स ए सिंगल डैश मान लो, एक्स बी सिंगल डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रहता है तो ज्यादा सही रहेगा। अब ये जब कंडेंस करोगे तो यहाँ देखो कंडेंस करके क्या आ जाएगा, एक्स डैश ए और ये भी लिक्विड बनेगा, तो एक्स डैश बी, और जब पेपर में पूछ रखता है तो एक्स डबल डैश, कुछ भी ऐसे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो क्या हुआ, इसको आपने यहाँ पे कंडेंस किया, जब इसको आपने यहाँ पे कंडेंस किया तो अब हम लोग लिक्विड पा गए अपना, ये जो यहाँ अब आइडियल का काम अब लगा, जितना पेपर थी सब कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में आ गई। P नॉट A की वैल्यू, क्योंकि देखो हमें अगर x डैश A की वैल्यू लिखनी है, यहाँ साइड में लिखता हूं मैं, अगर मुझे x डैश A चाहिए तो x डैश A क्या होगा, यहाँ पे कितना प्रेशर है इसको मैं प्रेशर का नाम देता हूँ P डैश A, और यहाँ पे जो प्रेशर है B को उसको दे देता हूँ मैं P डैश B, यानी ये प्रेशर कितना है देखो P नॉट A y A के बराबर, और P भी यहाँ पे देखो कितना है P नॉट B, और किसके बराबर देखो y, यहाँ का कितना फ्रैक्शन है बोलता था पेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, तो दैट कंपोनेंट में ए का फ्रैक्शन कितना है वाई ए और इसका फ्रैक्शन आपने माना है कितना वाई बी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एच डैश ए जब लिखूंगा तो एच डैश ए क्या हो गया बोलो पी ए डैश और डिवाइडेड बाई पी टोटल, अब पी टोटल यहाँ क्या हो गया पी टी डैश, तो यहाँ से अगर मैं पी टी डैश निकालूंगा तो पी टी डैश की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा पी ए डैश और प्लस क्या हो जाएगा पी बी डैश, सारी वैल्यू यहाँ रख दो, ये क्या हो गया पी नॉट ए वाई ए और प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट बी और क्या हो गया तुम्हारा वाई बी, सब डेटा पता है आप अच्छे से रख के सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से पी टी डैश आ जाएगा और पी टी डैश आ गया तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये वैल्यू जब और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो गया देखो पी नॉट ए और क्या हो गया बोलो पी ए डैश की वैल्यू किसके बराबर है वाई ए के बराबर, ठीक है ना। और फिर देखना ध्यान से, यहाँ से ऐसे मैं अगर एक्स डैश बी भी निकाल लू तो एक्स डैश बी क्या हो गया बोलो पी बी डैश और डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी टी डैश, इसकी वैल्यू पूछूंगा तो पी नॉट बी वाई बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पी टी डैश, क्लियर हो रहा होगा। फिर और आ जाइए क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं वैल्यू के ये लिख देता हूँ आप घर पे कर लीजिएगा, तो जो पी टी डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, जो आप पी टी डैश की वैल्यू निकालेंगे या जो आप एक्स ए डैश और इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू मैं सिर्फ लिख देता हूँ, देखो ये हो गया तुम्हारा पी टी डैश, तो ये सॉल्व कर लेना घर पे, तो एक्स ए डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.5, एक्स बी डैश की वैल्यू भी आ जाएगी 0.5, क्योंकि आइडियल है ना, तो कंपोजिशन सेम ही आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन अब ये प्रोसेस है इसलिए अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग पी टोटल डैश निकालेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जब हम लोग पी टी डैश निकालोगे सारा डेटा लिख के, तो पी टी डैश की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 200 mm ऑफ एच जी, पी टी डैश क्या आ जाएगा तुम्हारा 200 mm ऑफ एच जी, ठीक है ना। और फिर वही कहानी, अब यहाँ से ये इतना आ गया, यहाँ से इतना चला गया, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें फिर से पी प्रेशर चाहिए यहाँ, क्योंकि अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए एक्स ए डैश, इसका पहले फार्मूला लिख लो, तो ये फार्मूले से देखो क्या हो जाएगा पी ए डबल डैश और क्या हो जाएगा पी टी डबल डैश, तो यहाँ से हमें चाहिए देखो पी ए डबल डैश, तो पी ए डबल डैश बोलो क्या हो गया पी नॉट ए, तो कोई चेंज नहीं हुआ इनटू क्या हो गया एक्स ए डैश, ठीक है ना। अब एक्स ए डैश अभी मैंने बोला था 0.5 ही आता है और एक्स बी डैश भी तुम्हारा 0.5 ही आएगा, ठीक है ना, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, एक्स ए डैश भी तुम्हारा 0.5 और एक्स बी डैश सॉल्व कर लेना, ये भी तुम्हारा 0.5 ही आएगा। तो अब देखो यहाँ से अपने को ये मिल गया, एक्स ए डैश इतनी वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं पी बी डैश लिखूंगा तो पी बी डैश क्या हो जाएगा देखो पी नॉट बी इंटू क्या हो गया एक्स बी डैश, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे पी टी डबल डैश, तो पी टी डबल डैश क्या हो गया पी ए डबल डैश और क्या हो जाएगा तुम्हारा पी बी डबल डैश, तो जब आप पी टी डबल डैश सॉल्व करेंगे तो पी टी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, घर पे मैच करा लेना सब डेटा, ये 200 mm ऑफ जी, मतलब सॉल्व करके घर जो है अपनी कॉपी पे देखते रहना, तो यहाँ से पी टी डबल डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर आपने बहुत सारे लोगों को सॉल्व कर लिया होगा, कोई इतना टफ नहीं था, बस क्या है थोड़ा लेंदी है और कोई दिक्कत नहीं है, तो पी टी डबल डैश ये हो गया 200 mm ऑफ एच जी, और जब यहाँ वैल्यू आप रखेंगे सारी वैल्यूज
तो सारी वैल्यूज रखने के बाद आप देखेंगे, और जो पीए डबल डैश है इसको भी कर लेना घर पे, पीए डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 225, पीए डबल डैश जो है 225 mm ऑफ एसजी आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू पता ही है, ये हो गया पीए डबल डैश 225 और पी टोटल पीटी डबल डैश कितना हो गया 250, और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.9, और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं, देखना। लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए और बी है, फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन पढ़ने का मतलब कंपोजिशन क्या होता है सेम, बाकी देखा जाएगा भी आइडियल की कहानी। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब प्योर स्टेट में आपको दे रखा है 300 और 100 mm ऑफ एचजी। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज दैट वेपर अबव सोल्यूशन इज कंपोज ऑफ 1 mole ऑफ कैपिटल ए एंड 1 mole ऑफ कैपिटल बी। तो क्या बोल रखा है, इस सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर है उसमें 1 mole कैपिटल ए का है, 1 mole कैपिटल बी का है। फिर क्या बोला, अब इसको और थोड़ा पढ़ते हैं। 1 mole ऑफ कैपिटल ए, 1 mole ऑफ कैपिटल बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस, कलेक्ट किया कंडेंस किया, ठीक है ना, कलेक्टेड एंड कंडेंस, ठीक है। फिर यहां तक पढ़ लिया आपने, आगे और पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रखा है, देखो ध्यान से, दिस कंडेंसेट इज देन हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस कंडेंसेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर से वेपोराइज कर दो। तो अब देखो जब फिर से वेपोराइज करोगे तो यहां पहुंच गए आप, ठीक ना। यहाँ पे कंपोजिशन हम लोग मान लेते हैं, अब देखो यहाँ पे वेपर दे रखा था, वेपर को वाई ए लिखते थे आप एक्स से भी लिख सकते हो, तो आंसर में बस ट्रिपल डैश आ जाएगा। वाई ए लिखा है, वाई ए तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। वाई ए क्या हो गया, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यहाँ से 0.5, वाई डी कितना हो जाएगा 0.5। तो ये कंडेंस हो गया, लिक्विड हो गया, तो लिक्विड हो गया जो पेपर था वो पूरा पूरा यहाँ आ गया, यही आइडियल है, जितनी पेपर है सब लिक्विड बन जाए, ठीक है ना। तो ये देखो वाई ए हो गया, वाई बी हो गया, यहाँ से हम लोग पी नॉट ए पी नॉट बी, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो फिक्स ही है अपना, प्योर स्टेट वाले में कोई चेंज नहीं होता, यानी पी नॉट ए कितना है 300 और पी नॉट बी कितना है तुम्हारा 100, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, पी डैश है यहाँ से, पी डैश भी यहाँ से, पी टी डैश यहाँ से निकल जाएगा और पी टी डैश की वैल्यू आएगी 200 mm ऑफ एच जी। अब इसको फिर से क्वेश्चन फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन बोल रखा है दिस कंडेंसेट इज देन हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस, पेपर बन गई, पेपर को मान लिया मैंने एक्स, तो अगर इसका कंपोजिशन लिखना है तो यहाँ का प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, बी का लिखना था तो इसका प्रेशर और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर रख के सॉल्व कर लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब पी टी डैश कैसे निकलेगा, तो पी टी डैश यहाँ से देखो सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रखा है, ठीक है ना। फिर देखो दिस कंडेंसेट इज देन 100 एंड अगेन कंडेंसेट टू फॉर एल, ये को फिर से कंडेंसेट किया, इस वाले पेपर को फिर से हमने कंडेंसेट करके लिक्विड एल बना लिया। क्वेश्चन फिर पढ़िए, लिक्विड एल बनने के बाद व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द पेपर ऑफ एल। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से वेपोराइज करते हैं, इसमें ए का मोल फ्रैक्शन बताना है, और आई होप आप वैल्यूज यूज करते रहिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया, चलिए इस पे और सारे न्यूमेरिकल आपको डीपीपी पे मिलेंगे और एनसीईआरटी की बुक्स में भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे बस ज्यादा से ज्यादा एक बार कंडेंसेशन ये जो है या दो बार वेपोराइजेशन होगा। यहाँ पे आप देखिए जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आती है ज्यादा बड़ी नहीं आएंगी, वो उसमें बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, दो बार वेपोराइजेशन एक बार कंडेंसेशन बहुत है इतना, ठीक है ना। तो इस टाइप से बोर्ड में भी न्यूमेरिकल आया करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से एक बार और घर पे मतलब अपनी कॉपी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ हेडिंग और बनाए थे इस लेक्चर में, और वो था अपना आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। बात क्लियर हो गई, चलिए थैंक यू।